नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करता हूँ आज एक बार आप सभी का फिर से राइस नर्सरी में। किसान भाइयों, जो आज की वीडियो रहने वाली है वह अपने मदर प्लांट पर रहने वाली है और कुछ जो नई रंगीन वैरायटियों के जो है पौधे तैयार हो रहे हैं उन पर रहने वाली है या फिर वीडियो। तो किसान भाइयों, अभी आपको हम दिखाने वाले हैं जो कि CIH की अरनिका आम जो है अपने पास लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं किसान भाइयों, अभी दिखाने वाले हैं आपको अरनिका आम के बारे में भी बताने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है मैंने जो है ग्रो बैग में लगा रखा था। ये देख सकते हैं किसान भाइयों, फ्रूट टेक बैग के अंदर था ये, आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं आम का साइज़, देख सकते हैं नमसम में आम का साइज़ है, 300-400 ग्राम साइज़ है आम का। ये आम देख सकते हैं बहुत ही अच्छा आम है और खाने में बहुत ही मीठा आम होता है। ये आम की खासियत यह है किसान भाई कि जो है ये आम जो है लेट वैरायटी है, उसके बाद में ये बोनी प्रजाति की वैरायटी है, ज़्यादा से ज़्यादा फल देने वाली वैरायटी है। तो किसान भाइयों से मेरा यही कहना है कि ऐसी ही वैरायटी लगाएं, आप किसान भाइयों को हर साल रिजल्ट मिले। और ये ऐसी वैरायटी है हर साल आपको फल देने वाली वैरायटी है, एक बार भी नहीं बीट होगी। ऐसी की बहुत सारी वैरायटी आती हैं बीट कर जाती हैं, ये ऐसी वैरायटी है किसान भाइयों हर साल आप लोगों को रिजल्ट देने वाली वैरायटी है। तो बहुत ही अच्छी वैरायटी है और हाई डेंसिटी में आप इसकी फार्मिंग भी कर सकते हो और जो है कम जगह में ज़्यादा प्लांट लगा के ज़्यादा आम ले सकते हो। और ये वैरायटी का जो आम बिकता है वो पीस में बिकता है। इस पर कलर इस वजह से नहीं आया है क्योंकि जो है मैंने इसको सेव किया था फ्रूट टेक बैग में। इस वजह से फ्रूट टेक अगर बैग लगाते हैं तो आम आपका सेफ़ रहेगा, आम में कोई जो है कीड़ा किसी प्रकार के जो है इस तरीके का रोग वगैरह से जो है आम आपका बचा रहेगा। तो किसान भाइयों, ऐसे ही भी आपको मैं दूसरी भी वैरायटी अभी दिखाने वाला हूँ वीडियो में भी लास्ट तक। किसान भाइयों, अभी आपको जो है दूसरी वैरायटी दिखाने वाला हूँ जो कि मैं मदर प्लांट के पास में खड़ा हुआ हूँ। ये आप देख सकते हैं किसान भाइयों, पूसा सूर्या का हमारे पास मदर प्लांट लगा हुआ है और इसमें भी आम आया हुआ है। मैंने एक ही आम लिया था टेस्ट करने के लिए जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ये आप किसान भाइयों देख सकते हैं, ये देख सकते हैं पूसा सूर्या का आम मैंने जो है तोड़ लिया है, बैग में करके रखा हुआ था। ये आप किसान भाई देख सकते हैं पूसा सूर्या का आम, ये आप किसान भाई देख सकते हैं। अभी आम का साइज है लमसम में 500 ग्राम के ऊपर है, 500-600 ग्राम आम का साइज है। और आम पे जो है कलर भी आता है, इस पर भी कलर की बात रहती है। तो आम पे कलर नहीं आया हुआ है, अगर हम बैगिंग करते हैं आम के ऊपर तो उस आम के ऊपर कलर नहीं आएगा, बल्कि आम खूबसूरत हो जाएगा, देखने में अच्छा लगेगा, कोई रोग नहीं आएगा, कुछ कोई प्रकार का जो है गंदगी नहीं आएगी। तो ये सब जो गंदगी इस पर आई थी ये सब पहले की थी पौधे का, जैसे कि जो पत्ते के ऊपर ये गंदगी होती है वो गंदगी सब जो है आम के ऊपर गिर जाती है। तो किसान भाइयों, ये पूसा सूर्या वैरायटी है, इसके भी अपने पास प्लांट अवेलेबल हैं, बहुत ही कम प्लांट मिल पाएंगे, ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे। तो जो किसान भाई ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो ऑर्डर कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9219263385, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है यही है। और जो किसान भाई वीडियो पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगली आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो ये किसान भाई ऐसी वैरायटी हो किसान भाई जो है आप फार्मिंग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहने वाला है, आप हाई डेंसिटी पर लगा सकते हैं और आप जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। पीस में ये आम बिकने वाला है और अगर आम के टेस्ट की बात करें तो बहुत ही अच्छा आम का टेस्ट है। तो किसान भाइयों, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।